फिल्म फेस्टिवल से क्या मैसेज? आई थिंक कल्चर और टूरिज्म के ऊपर है ये फिल्म, एंड तो ये बहुत बड़ा मैसेज है ताकि टूरिज्म हमारा जो देश में है वो बढ़े और कल्चर जो है वो पूरी दुनिया जाने. आई थिंक दैट्स अ लवली लवली मैसेज, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है बहुत ही खूबसूरत है. आई थिंक ऑल ओवर इंडिया ही खूबसूरत है, बट क्योंकि अभी हम वाराणसी में हैं तो डेफिनेटली अलग ही खूबसूरती है. यहाँ पे स्पिरिचुअल जगह मानी जाती है, जहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हैं और बहुत सारे अदर, देर आर 2000 टेम्पल्स आई गेस. सो मैं पहली बार आ रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है. मैं कब से आना चाहती थी, फाइनली मुझे मौका मिला आने का. एंड मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और टूरिज्म डिपार्टमेंट सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला. और इतने बड़े जो दिग्गज लोग हैं उनके साथ बैठने का, उनके साथ जूरी बनने का मौका मिल रहा है. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. पहले भी आपने कई सारी तस्वीरें देखी उनके बारे में. जी, वर्तमान में आप जब आए हैं, अब की तस्वीरें जो देखती हैं वो कैसा है? अभी मैंने देखा नहीं है बाहर, मैं ज्यादा घूमी नहीं हूँ. तस्वीरों में तो खैर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जैसा कि हम देखते हैं. एंड आई एम श्योर कि आंखों में जब सामने देखेंगे तो वो और ज्यादा डबल खूबसूरत हो जाएगा. सो बस मुझे उसी का इंतजार है कि कब मैं खुद अपनी आंखों से देखूं. तस्वीरों में तो मैंने बहुत देखा है, जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर, सब कुछ देख लिया है. अब आंखों से देखना चाहती हूँ कि और कितना खूबसूरत है वो. टेलीविजन से है, बहुत सारे धार्मिक चीजें इशू हो जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से धर्म को लेकर टारगेट किया जाता है? आई थिंक धर्म को लेके टारगेट, अभी इस पे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि फिर इस बात को लेके भी कुछ बवाल ना हो जाए. सो इससे बेटर है कि मैं चुप रहूं. मैं बस इतना कहूंगी कि हर कोई अपने धर्म पे को विश्वास करता है और हमें उस चीज को रेस्पेक्ट देनी चाहिए. और जो अपने रिलीजन, अपने धर्म को लेकर अगर थोड़ा स्ट्रांग बिलीफ है तो उनको उसी तरह वैसे ही उनको पसंद है. बचपन से जैसा देखते आए हैं वो वैसा ही है. तो हमें उस पर ज़्यादा ऊंच नीच ज़्यादा उस पर बोलना नहीं चाहिए. अब हमें अपनी सोच अपने सीमित तक रखनी चाहिए. जहाँ अगर कुछ बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर बोलना अलग चीज़ है, बट ज़्यादा इस चीज़ पर धर्म इस पे मुझे नहीं लगता. मैं जैसे मैं बोलना नहीं चाहूंगी, तो मैं चाहूंगी कि लोग भी ना ही बोलें. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी. अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर.